तो त्योहारी सीजन में एक बार फिर मिलावट का धंधा जोरों पर है। मिलावटी पनीर से लेकर मावा तक मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। आज भोपाल में एक क्विंटल पनीर जब्त किया गया। यह पनीर सीहोर से भोपाल के लिए लाया गया था। पुलिस ने एक कार से इस पनीर को जब्त किया। कार के ड्राइवर का यह कहना है कि नादरा बस स्टैंड पुराने भोपाल का जो मेन बस स्टैंड कभी हुआ करता था, नादरा बस स्टैंड से इस पनीर को अशोकनगर भेजा जाना था। अब तक पनीर का मालिक सामने नहीं आया, कोई क्लेम करने नहीं आया, पनीर आ गया मालिक सामने नहीं आया। खाद्य विभाग और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। हाल ही में मुरैना में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस दौरान जौरा खुर्द में डेयरी पर रिफाइंड ऑयल से पनीर बनाए जाने का खुलासा हुआ था। भैया खराब ना हो, इस ड्राइव का ध्यान रखो खोलते हैं। जब हम आए खाने पर तो उसमें चार पेटी पनीर था, उसको हमने देखा और आशंका के आधार पर सैंपल की कार्रवाई की गई है। अब लैब में सैंपल जो है चेक होंगे, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्धारित है। पनीर जो है सीहोर से आ रहा था, ऐसा हमें उस गाड़ी के ड्राइवर ने बताया और उसके उसी से हमने सैंपल ड्रॉ किए हैं अभी। और इसके बाद में जो है यहाँ पर उनका कहना था कि वो बस स्टैंड पर उतारते हैं और ये अशोक। तो पनीर तक मामला रुक गया हो ऐसा नहीं है, सौंफ तक में मिलावट की जा रही है। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने 750 किलो सौंफ जब्त किया है, इसमें रंग मिला हुआ है, इस तरह की आशंका शुरुआती तौर पर जताई जा रही है। जब्त किए गए सौंफ की कीमत है 97,500 रुपए। खाद्य विभाग की टीम ने कई मिठाइयां नमकीन इनके दुकानों से भी सैंपल लिए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं सौंफ कहीं पनीर। सीधे ग्राउंड जीरो भी आपको लिए चलेंगे, भोपाल आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र के पास भी आपको लिए चलेंगे। भोपाल में एक क्विंटल पनीर मिला है, यही पनीर जब आपके घर में पहुंचता है आप लुत्फ ले लेकर इसे खाते हैं, स्वाद ले लेकर इसे खाते हैं, पता ही नहीं होता इसमें क्या है। सौंफ पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी सौंफ को आप फांक जाते हैं, आपको पता ही नहीं सौंफ खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं। यही सबसे बड़ा पेंच मिलावट का है। त्योहार के दौरान मिलावट से सावधान। और यही एक अकेला, यही एक मुनाफाखोरी का खेल है जिस पर कोई काबू नहीं है, चाहे कितना ही प्रयास कर लिया जाए। बहुत बवाल हुआ था जब 2 साल पहले ग्वालियर कलेक्टर ने मुनाफाखोरों पर, ऐसे मिलावटखोरों पर रासुका लगा दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। हालांकि बाद में अदालत में वो मामला ठहर नहीं पाया, लेकिन मिलावट कितनी जानलेवा है इसका पता जब तक चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसी मिलावट को लेकर आज हम ग्राउंड जीरो से लाइव में चर्चा कर रहे हैं। एक जगह से सौंफ मिली, एक जगह से पनीर मिला है। सीधा आपको लिए चलेंगे भोपाल, सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गंदा है पर धंधा है, क्या करें, मुनाफाखोरी क्या, मुनाफाखोरी चीज ही ऐसी है। शैलेंद्र बिल्कुल, ललित बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अमानक खाद्य पदार्थ लगातार पकड़े जा रहे हैं, खासकर त्योहारी सीजन में ये जो माफिया हैं या ये कहें कि जो मिलावटखोर हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि चाहे वह दूध की उत्पादन की बात हो या खपत की बात हो, चाहे वो पनीर की बात हो, मावा की बात हो या मिठाइयां और नमकीन की बात हो, त्योहारी सीजन में इनकी खपत जो है वो बढ़ जाती है। और यही कारण है कि लगातार इससे ये तब देखने में आता है कि नकली और मिलावटी जो है वो खाद्य पदार्थ बाजार में उतारे जाते हैं। और जिस तरीके से आज भी सुबह सुबह जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कोई पूजा थाना पुलिस ने एक गाड़ी फोर व्हीलर को जब संदिग्ध हालत में रोका तो उसमें 1.5 क्विंटल पनीर जो है वो मिला। उसका किसी तरह का कोई दस्तावेज जो है वो ड्राइवर के पास नहीं था। उसके बाद उसको जब्त किया गया, उसकी सैंपलिंग की गई है, उसको सैंपलिंग को जांच के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सीहोर से अशोकनगर की तरफ वो ले जाया जा रहा था। और कल जिस तरीके से पुराने भोपाल और नए भोपाल में कुछ किराना स्टोर्स पर भी कार्रवाई की गई थी, उसमें देखने में आया था कि जो नमकीन की एक्सपायरी डेट का हो गया है उसके ऊपर से फिर से पर्ची चिपकाकर उसको बेचा जा रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से मुनाफे के लिए सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, त्योहार का सीजन जैसे शुरू होता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं, किस तरह का आप लोग ध्यान रखते हैं?
नहीं, हम लोग क्या ध्यान, जहाँ पे भी देखते हैं जहाँ 5 किलो की सप्लाई होती थी वहाँ 500 किलो बिकने लगते हैं। ठीक, जो रेट बाहर 300 रुपए किलो मिलती है वो 350 रुपए किलो मिलते हैं, फिर भी ओरिजिनल चीज मिलता नहीं है। ठीक, तो क्या लगता है सर स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल, कुछ और लोग भी ये होता है, आप लोग भी बाजार जाते होंगे, खाद्य सामग्री जब आप खरीदते हैं तो मिलावट का भी डर रहता है? हाँ, बहुत डर रहता है इस चीज का। हम लोग भी देख के ध्यान रखते हैं, मतलब कि जैसे अच्छी जो क्वालिटी की दुकान से जो हम लोग लेते हैं, या लाइक या तो अमूल से लेते हैं या तो सांची से लेते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही सही रहती है। और ज्यादातर हम लोग अपने घर से ही बनाते हैं, जैसे कि दूध फट जाए तो हम उसी का पनीर बना के खा लेते हैं। ठीक, तो देखिये ललित, ये जो युवा है वो कह रहे हैं कि ब्रांडेड पसंद करते हैं और या फिर वो घर पर ही बने उत्पाद खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं ताकि किसी तरह की कोई आर्थिक तो छोड़िए उनकी जो शारीरिक हानि है वो ना हो पाए। जी चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका, जिन लोगों ने आपके जरिए अपनी आवाज यहां तक पहुंचाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई में रहकर सट्टे का साम्राज्य चला रहा महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार किया गया। ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हालांकि इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, उसकी भी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आखिरकार सट्टे का सरदार दुबई से गिरफ्तार। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने भी कोशिश की। अब सौरभ चंद्राकर को जल्द भारत लाया जा सकता है। कभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चलाने वाला सौरभ चंद्राकर, सालाना 20,000 करोड़ के सट्टे का साम्राज्य इसने खड़ा कर लिया। महादेव सट्टा ऐप के जरिए क्रिकेट से लेकर चुनाव तक पर सट्टा लगाया जाता था। जब सट्टे का धंधा ऊंचाइयों को छूने लगा, सौरभ चंद्राकर दुबई पहुंच गया, वहां से धंधा चलाने लगा। चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी, और ऐसा नहीं है कोई कुछ कह दे, महादेव सट्टा ऐप आज भी काम कर रहा है। चाहे वो सौरभ चंद्राकर हो, चाहे वो पिल्ले हो, चाहे अन्य कई लोग हैं, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग लगातार सक्रियता के साथ में काम कर रहा है। उसके सरगना की गिरफ्तारी दुबई में हुई है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है, और भी उसमें जितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही। और सीधा आपको दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास लिए चलेंगे। क्या कुछ इस मामले में पेंच होगा, किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी, और सियासत तो खैर गर्म हो ही जाएगी, सौरभ आ रहा है भाई। शंकर, गिरफ्तारी हो गई, कुछ टेक्निकल पेंच होंगे और उसके बाद फिर सौरभ को यहाँ लाया जा सकेगा, भारत लाया जा सकेगा, और इसके बाद जो सियासत गर्म होगी वो ज्यादा दिखने लगा, क्योंकि दिलचस्प होगी। प्रोसेस क्या होगी शंकर, क्या टेक्निकली अब इसमें आगे होगा? देखिए सब, आपने जो एक सवाल किया उस सवाल का मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि आपने जो सवाल किया कि सियासत गर्म होगी, निश्चित तौर पे जब सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जाएगा और खास तौर पर जब उसे छत्तीसगढ़ लाया जाएगा और जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आगे की पूछताछ होगी तो वो मामला बेहद चौंकाने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में कई ब्यूरोक्रेट्स, कई पॉलिटिशियंस का नाम भी सामने आया है, और जिस तरह से इस मामले पर ये जो जानकारी जांच एजेंसी को लगी थी कि किस तरह से सौरभ चंद्राकर कई ब्यूरोक्रेट्स को आपस अपने गैंग में जोड़ रखा था और किस तरह से कई बड़े राजनेताओं को भी वो फायदा पहुंचाता था, और करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक फंड है, एक अच्छा खासा फंड पॉलिटिकल गलियारे से जुड़े हुए कई लोगों को भी पहुंचाता था, तो किस तरह से वो पैसे पहुंचाता था, उसकी मंशा क्या होती थी और किस तरह से इस पूरे रैकेट को चला रहा था, तो शुरुआत जरूर छत्तीसगढ़ से हुई थी लेकिन धीरे धीरे इस रैकेट का जो जाल है वो मध्य प्रदेश, राजधानी दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ साथ कई राज्यों तक इस मामले का रैकेट उसका फैलता चला गया, और दुबई में बैठ करके सौरभ चंद्राकर महादेव सट्टा ऐप को चला रहा था, और इस पूरे रैकेट में कई लोगों की भूमिका होती थी, कई लोगों की जो इस मामले में जो रोल जो होता था वो होता था, और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का जो दायरा आगे बढ़ा उस मामले में कई खुलासे हुए और इस मामले को जब तफ्तीश किया जा रहा था कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली, लेकिन अब बात करते हैं कि जब उसे कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, तो इस मामले में जिस तरह से लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय के संपर्क में जांच NCED जुटी हुई है कि कैसे उसका भारत में प्रत्यर्पण कराया जाए, क्योंकि दुबई में गिरफ्तारी जरूर हुई है लेकिन दुबई से भारत में लाना
इस आरोपी को थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसके लिए लगातार विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संपर्क में जांच एजेंसी की टीम है, और भारत में जो सीबीआई की टीम है वो नोडल एजेंसी है इंटरपोल की, तो इंटरपोल के अधिकारियों के साथ में सीबीआई के अधिकारी जुड़े हुए हैं। ठीक, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ शंकर, वक्त की कमी है। 1967 की फिल्म याद आ जाती है, ज्वेल थीफ, होठों में ऐसी बात, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, होठों में ऐसी बात दबा के चली आई। आओ सौरभ, तुम्हारा इंतजार है। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही, नमस्कार।